यार चारों खुले हैं कसम से। मतलब ये भी है कि हम जिंदा घर वापस आए। हाँ गाइस, इसने बट होने वाला था, कांड होने वाला था आज, बहुत बड़ा कांड होने वाला था, लेकिन शुक्र अल्लाह का बच गए। शुक्र अल्लाह का कि हम जिंदा जिंदा घर पहुंचे। एग्जैक्टली तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सब मजे में होंगे। सो गाइज, अभी हम मार्केट जा रहे हैं, व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया, अभी दिन के कुछ ही 11-12 बजे हैं, बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है आज बर्फ़ पड़ेगी, तो देखते क्या होगा। वैसे अभी कोई प्लान है नहीं व्लॉग बनाने जाने का, बस मैंने स्टार्ट कर दिया, सोचा इतना तो दिखा दूँ एटलीस्ट अभी, तो बाकी देखते हैं मौसम कैसा रहता है उस हिसाब से। अगर मौसम ठीक रहा तो व्लॉग बनाने जाएंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं तो फिर पता ही है। तो फिलहाल क्या करते हैं, जल्दी से मार्केट चलते हैं। उधर है कुछ काम यार, सासे फूल रहे मास्क पहनने की वजह से, तो उधर है कुछ काम एंड उधर से पापा को भी लेके आएंगे, तो फिलहाल निकलते हैं हम यहाँ से। फुल पावर निकल चुके हैं घर से, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, कोई भी गाड़ी नहीं आज रोड पे यार। तो सबसे पहले तो जो पार्सल लाया था कल वो रिटर्न करना है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं HDFC बैंक के पास, पार्सल वगैरह सब कुछ यहीं पे पहुंचता है, तो यहाँ से हमें रिटर्न करना है, लेना कुछ भी नहीं है। तो चलो यार, इसको दे देते हैं जो भी देना है, OTP वगैरह एंड पार्सल। गाइस ये रहा अपना पार्सल जो हमें वापस करना है। तो जी हो चुका है इधर का काम खत्म, अभी इधर से निकलते हैं, और भी काम निपटाने हैं यार। क्या बताऊं मैं यार, क्या ही ठंड हो रही है। और पेट्रोल देख रहे हो, अभी मैं गया नहीं पेट्रोल पंप भाई, बस खजल ना कर दे अपनी पांडा हमें कहीं पे, वैसे तो पांडा पे भरोसा है, कहीं पे हमें खजल नहीं करेगी। तो गाइस मार्केट के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, अभी पापा और मैं घर चलते हैं। हाँ तो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं घर, तो फिलहाल बाइक अंदर लगा देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं, अगर हुआ मूड तो जाएंगे व्लॉग बनाने, ठीक है ना। अगर कुछ मौसम ज़्यादा ख़राब रहा तो नहीं जा सकते, आपको पता ही है, अगर हुआ मौसम ठीक तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल लगा देते हैं बाइक अंदर। तो हाँ जी गाइस, आज कोई भी मोटो व्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो बाइक पे जाना ना बहुत ख़तरनाक होता, तो अभी आज हम गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना, गाड़ी में व्लॉग करेंगे। बाकी ये रहे आदिल भाई भी आ चुके हैं, तो बाकी आज तुम्हारे भाई ने टोपी वगैरह सब कुछ निकाल लिया, क्योंकि बाइक पे टोपी वगैरह पहन के जाते थे, ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। तो क्या करते हैं, मतलब बर्फ़ पड़ रही है, अगर आपको अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, निकलते हैं एंड जाते हैं कहीं घूमने, मज़ा आएगा बहुत सारा, तो आखिर तक देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्या पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं, आगे तो ज़्यादा ही बर्फ़ होगी, तो उसी साइड जाएंगे, उधर से इंशाल्लाह आपको बर्फ़ भी दिखाएंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि बॉस ट्यूब को दे रहे हैं कनेक्शन, क्योंकि थोड़ा मज़ा आना चाहिए ना यार, साउंड थोड़ा आना चाहिए अच्छा सा। तो फिलहाल क्या करते हैं, काम ये काम करते हैं जल्दी से ख़त्म एंड निकलते हैं इधर से, जाते हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे, एंड आपको आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे होगी, वैसे ज़्यादा बर्फ़ होगी ना, पड़ रही है यार अभी भी, यहाँ भी पड़ रही है, बट आपको अच्छे से नहीं दिखेगी, तो आगे बर्फ़ होगी ज़्यादा। तो चलो आपको दिखाते हैं बर्फ़ वगैरह सब कुछ। तो हाँ जी गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे, ठीक है ना, ये छावा ब्रिज पे अभी हम आए हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यार, खंडे रिवर के पास में है, तो आदिल भाई और मैं बैठे हैं एंड गाड़ी में देखोगे किसका सॉन्ग चल रहा है अभी, कॉपीराइट ना चाहिए इश्तियाक भाई, चेक करो गाइस, इश्तियाक जी का नया सॉन्ग आ चुका है, तो वही सुन रहे हैं हम, बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज्यादा मजा आया इश्तियाक जी का सॉन्ग सुन के, मतलब क्या बताऊं, उसके लिरिक्स ना दिल छू गया आज कसम से, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर इधर बैठते हैं ना, देन उसके बाद जाएंगे आपको बर्फ दिखाने, बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो आखिर तक देखना। जी गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं घुंड, बट इधर क्या सीन हो गया कि बर्फ़ कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। मैंने सोचा था इधर बर्फ़ पड़ रही होगी, बट इधर है ही नहीं यार, कहीं पे बर्फ़ ही नहीं दिख रही तो आपको। ओह भाई, कुत्तू की फौज चेक करो यार अचानक मेरे को इनकी तरफ नज़र पड़ी, वो देख रहे हो कितने ज़्यादा है, सामने इतनी प्यारी मस्जिद और उसके पीछे जो पहाड़ है ना यार, वो बर्फ़ वाले पहाड़ चेक करो यार, कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है ना, वो देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो देखते हैं यार, अगर मिली बर्फ़ देखने को दिखाएंगे, अगर नहीं मिली तो क्या ही कर सकते हैं, इधर कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है, कहीं पे बर्फ़ नहीं है यार,
क्या ही करें अब, सोनमर्ग में वो भी मतलब बहुत कम है, तो अभी सोनमर्ग जाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं। मैंने सोचा था गुण में होगी तो इसीलिए हम इधर आए थे, इधर भी नहीं है। तो मैंने जीजू को कॉल की थी, कुलन में मत है, कुलन में भी नहीं है। तो चलो अभी वापस निकलते हैं, क्या ही करें यार, अपनी किस्मत हमेशा ख़राब ही होती है, आज भी है। तो इधर से हम वापस निकलते हैं, अटका हुआ मुँह लेके वापस चलते हैं, ठीक है ना। लगता है टायर में कुछ गड़बड़ है, या तो पंचर हो गया है कोई टायर, क्योंकि ये वबल टाइप कर रहा है यार। ओ खिड़की खुली हो भाई, रुकना यार खिड़की टूट जाएगी। तो चल देखते हैं क्या होगा, जरा तू चल गाड़ी चला, जाने देख हो रहा है ना वबल थोड़ा, जरा जरा स्पीड कम कर। ओ ये टायर खुला है यार, ये टायर ही खुला है। गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, ओ भाई गाड़ी रोक यार पागल। ओ शिट गाइस, ये टायर ही खुला है, इसके नट लूज है, इसके नट लूज है कसम से। ओ भाई ओ टायर नहीं निकला फिर भी, इज्जती से बचने के लिए जल्दी टायर नहीं निकला फिर भी। ओ शिट गाइस, ये एक गाड़ी लादा देखो गाइस, देख रहे हो यार टायर ही खुला था गाड़ी का, दो नट कितने ढीले थे वो, ये देख रहे हो कितने ढीले हैं, खुला है इसका टायर, भाई 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 इसको टाइट नहीं। ये तो ये पूरा ओ शुक्र पड़ा हम जिंदा जिंदा यहाँ तक वापस आए हैं, फिर क्या मर गए थे आज। तो गाइस जी जल्दी से बंद करते, आज मरते मरते बचे कसम से यार, टायर अगर निकल जाता ना हम क्या बताऊं मैं आपको। गाड़ी का दूसरा टायर भी खुला है, गाड़ी का दूसरा टायर भी ये वाला शायद खुला है। अभी हमारे हैवी ड्राइवर आए हैं अभी। अब तू चाहता क्या गाइस, पूरे नट वट खुले हैं, ये टाइट है, एक टाइट है, ये टाइट होता है, ये टाइट होता है, तू क्या टाइट। मुझे लगता है उस साइड के भी देख गाइस, गाड़ी को आज क्या हो गया है, इसको नजर लग गई है शायद। ओ ये वाले हाय इसने, ओ मुझे इसने उड़ा दिया था। ओए ये वाला देख जरा। ये क्या है, मैं आशा मत ये कुछ। ये वाला देख ले। नहीं मजाक हो रहा है, नहीं मजाक हो रहा है, लगता है आज मेरे को मतलब मारने ही आया था यार। ये देखो, ये देखो टायर चारों खुले हैं कसम से। ओ ये खुला है, तेरे को मैं मार दूंगा कसम से। क्या क्या सोच के आया गाइस, आज यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, आज गाड़ी में कभी टायर ढीले हैं, कभी गाड़ी इधर उधर भाग रही है, कभी हमें कोई ठोक रहा है। ओए इधर से गाड़ी आई, ओए ओए इधर रह थोड़ा, इधर से गाड़ी आई। ये देखो गाइस, ये है, ये टाइट है गाइस, ये देख रहे हो उंगली से, एक उंगली से इतना टाइट है ये कसम से। पता नहीं यार फिर भी टायर नहीं निकला है, तो शुक्र पर टायर नहीं निकला है, हम कसम से। कैन आई से समथिंग, बोल दे अब क्या तुम मेरे को। गाइस एक्चुअली में हमें आज गाड़ी चेंज करनी थी, तो वो पुराने लोग उन्होंने अच्छा कहा है कि जब कोई चीज़ बेचनी होती है ना तब उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं। ये गाड़ी भी हमें बेचनी है अब कुछ अपकमिंग कुछ डेज में, तो आईसीज में फॉल्ट आने स्टार्ट हो गए। अब बंदे निकले नट खुले थे, चारों टायर निकल गए, उनकी जान भी साथ में निकल गई। अल्लाह बचाए, शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट होने वाला था, कांड होने वाला था आज, बहुत बड़ा कांड होने वाला था, लेकिन शुक्र अल्लाह का बच गए। सो गाइस ये आ चुके हैं हमारे अब ड्राइवर, टायर चार खोल के टायर चार खोल के। ये बंदा मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वो इटोस जा रही है हमारे आगे आगे, बोल रहा है उसके ब्रेक लंप चल रहे हैं। मैंने बोला जाकर ठोक दे, अगर उसकी लाइट जली तो नहीं चल रहा है, वैसे एक चल रहा है ना, एक ही चल रहा है उसको। तो गाइस अभी एसी वेसी हमने फुल ऑन कर दिया है, हाथों में इतनी ज्यादा ठंड लगी ना, ऊपर से वो जो रॉड होती है ना जिससे हमने नट्स टाइट की, वो इतनी ज्यादा ठंडी थी क्या बताऊं मैं।
उधर इतनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गाइस ये देखिए, ये कब से इस बिचारे के पीछे पड़ा है, मुझे लगता है ये सच में इसकी लाइट खोल देगा अब। ये देखो, टर्न पे कभी ओवरटेक नहीं करना गाइस। वाओ, कभी वाह रे मोटे वाह, तूने मेरी आज आंखें खोली, इसलिए हमारे टायर चार खोले थे। गाड़ी उधर से कौन चला रहा था? मैं नहीं चला रहा था गाइस, आपने देखा मेरे हाथ में डंडी थी कैमरा की। खबर क्या ज्यादा नहीं हो गया, बस गया काम से। क्या हुआ है? आज इसकी टॉप हैंड हम यहाँ से मारने वाले हैं। बस गया मैं जब वाली सीट पे बैठा था। गाइस 120 अंकल जी को नहीं ठोक देना बस। मैंने ऑलरेडी अभी भी बोला ये हॉस्पिटलाइज नहीं करता गाइस, इस पे ये भरोसा है मुझे, ये डायरेक्ट ऊपर भेज देगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि मतलब ये भी है कि हम जिंदा घर वापस आए। हाँ गाइस, इसने उड़ा दिया, टायर चारों खुले थे। थक गया? नहीं थका नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ शुक्र अल्लाह का कि हम जिंदा जिंदा घर पहुंचे। एग्जैक्टली exactly. आपको किसी भी लिहाज से आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं एक मस्त से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड पीस आउट।